या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। शेरे हिंद हजरत टिपू सुलतान यांच्या जयंतीनिमित्त नई जिंदगी परिसरातील अमन चौक येथे भव्य देखावा सादर करून खाऊ वाटप कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते अबुबकर सय्यद, सलीम शेख, रफिक इडामदार, इलिया शेख, मुन्ना MD, सुलतानाभाई, इम्रानभाई, फारूकभाई, इरफानभाई यासह अमन ग्रुप व SK फ्रेंड सर्कलचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। आज असिस्टंट टीचर एम ए पानकर लेखले उर्दू हाई स्कूल, प्रेसिडेंट दैवदान फाउंडेशन, प्रेसिडेंट टीचर टॉप फोरम सोलापुर, हम बच्चों और तमाम हजरात यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि शेर मैसूर मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान की योम पैदाइश हम मना सकें। टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान वो थे जिनकी पैदाइश तहकीक के मुताबिक 20 नवंबर 1750 को हुई। कुछ बातें ऐसी भी बोली जाती है कि इनकी पैदाइश 10 नवंबर 1750 को हुई थी। तो हम तहकीक के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और आज ही के दिन उनकी यौम पैदाइश मनाते हैं। टीपू सुल्तान वो पर्सनैलिटी थी जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, जिन्होंने तोप दागने की शुरुआत की थी और उनके तोपों से, उनकी ताकत से अंग्रेज कांपते थे। नासा का सेंटर है, स्टडी सेंटर जो कि वर्ल्ड में मशहूर है, वहाँ पर टीपू सुल्तान की फोटो लगाई जाती है और लोगों को ये बताया जाता है कि मिसाइल की शुरुआत, तोपों की शुरुआत, तोपों को दागने की शुरुआत टीपू सुल्तान से हुई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब ये ना देखें कि यहाँ पे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ये पता लगाएं कि इंसान कौन है। हम मंदिर और मस्जिद के जंगलों में ये ना उलझे, ये पता करें घर घर जाकर यहाँ की परेशान हो। तो हमारा ये मकसद है कि ना हिंदू हम देखें ना मुसलमान हम देखें, जिसका जो काम है उसको उतनी अहमियत दें, उसको इतना पूछें। और इसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने और एक चीज़ ईजाद की थी, जहाज जब उनके चलते थे तो मेघनाथिसी पहाड़ कहाँ आने वाले हैं, किस सिमत में आने वाले हैं, तो उस सिमत का तयन बराबर वो जहाज करते थे, क्योंकि जहाज के नीचे तांबे की धातुओं का इस्तेमाल होता था। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, उन्होंने तारीख मुरत तक नहीं की है बल्कि तारीख उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है। उनके कारनामों की वजह से उन्होंने एक सल्तनत बनाई थी, सल्तनत या खुदादाद। उस सल्तनत की खासियत ये थी कि उस सल्तनत में हिंदुओं को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी जितनी की मुसलमानों को दी जाती थी। जो जुजिया दिया जाता था, जो महाना एक तनख्वाह मुकर्रर की जाती थी बूढ़े लोगों के लिए, उसमें पहले तरजीह हिंदुओं को दी जाती थी, बाद में मुसलमानों को दी जाती थी। ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान टीपू सुल्तान हमारे हो गुजरे हैं। और आखिर में मैं इतना कहूँगा कि उठाकर तलवार जब घोड़े पर सवार होते, बांध कर अमामा जब भी वो तैयार होते, देखते लोग छत पर खड़े होकर और कहते कि काश हम भी मुसलमान होते। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्स्क्राइब करा।